आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक ग्राम फाइलम फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, फाइलम कॉर्डेटा इसमें पहला पॉइंट है कि जो नोटो कार्ड होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, कॉर्डेटा के जितने ऑर्गेनिज्म होंगे उन सब के अंदर एक नोटो कार्ड पाई जाएगी जो प्रेजेंट होते। ठीक है, सब में, सारे कॉर्डेटा में। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, डॉर्सल ट्यूबुलर सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसके अंदर डॉर्सल ट्यूबुलर हॉलो नर्व कार्ड पाई जाती है। क्या पाई जाती है, डॉर्सल ट्यूबुलर हॉलो नर्व कार्ड पाई जाती है जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, ये पाया जाता है, इसमें प्रेजेंट होता है। अगला पॉइंट है फेरेंजियल गिल स्लिट। ठीक है, इसमें फेरेंजियल गिल स्लिट पाई जाती है जो पेयर में होती है। क्या होती है, पेयर में, यानी कि एक जोड़ी। ठीक है, पेयर्ड होती है। अगला पॉइंट क्या है, वेंट्रल हर्ट, यानी कि इसके कॉर्डेटा के अंदर जितने ऑर्गेनिज्म होंगे उन सब में वेंट्रल साइड में, यानी कि ऐसे, ठीक है, नीचे की साइड में हर्ट यानी कि दिल पाया जाता है। ठीक है, हर्ट पाया जाता है वेंट्रल साइड में, हर्ट पाए जाते हैं। इसमें जो वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है वो क्या होता है, क्लोज्ड होता है। क्या होता है, क्लोज्ड होता है, क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम या क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, इसमें आरबीसी प्रेजेंट होता है यानी कि रेड ब्लड सेल भी पाई जाती है। अगला पॉइंट है पोस्ट एनल कार्ड, सॉरी पोस्ट एनल टेल पाई जाती है। ठीक है, इसमें जो है टेल भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, टेल। ठीक है, पेयर्ड, पेयर्ड अपेंडेजेस भी पाए जाते हैं। ठीक, अगला पॉइंट है पैलेटल सिमेट्री पाई जाती है, ट्रिपल ब्लास्टिक भी पाई जाती है। ठीक है, क्या कहते हैं, जनरली ट्रिपल ब्लास्टिक होती है, सिलोमेट भी होता है। ठीक है, इसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ दिए गए, इसमें जो होते हैं पॉल्टन, ह्यूमन है, लायन है, टाइगर, काउ, कैट, रैबिट, क्रोकोडाइल्स, हिप्पोकैम्पस, पेट्रोमाइजॉन, फ्रॉग एंड एक्सेट्रा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ जो ऊपर से तीन पॉइंट दिए गए हैं, नोटोकार्ड, डॉर्सल ट्यूबुलर सीएनएस, सीएनएस फेरेंजियल गिल स्लिट, है ना, ये तीनों जो क्या होते हैं, डायग्नोस्टिक फीचर होते हैं। ठीक है, ये तीनों डायग्नोस्टिक फीचर होते हैं। इसके बाद यहाँ पे जितने दिए गए हैं, जैसे ये वाले, ठीक है, वेंट्रल हर्ट, क्लोज वेस्कुलर सिस्टम, आरबीसी, पोस्ट नेल टेल, पेयर्ड अपेंडिसेस, है ना, ये पांचों, एक दो तीन चार पांच, ठीक है, ये पांचों जो होते हैं डिस्टिंग्विस्टिक फीचर। ठीक है, यानी कि इसका मतलब होता है विशिष्ट लक्षण। ठीक है, इस पांच, ये जो पांच होते हैं, ये मतलब विशिष्ट लक्षण है इसके कॉर्डेटा के। और इसमें जो है वेंट्रल हर्ट, कॉर्डेटा में जितने वेंट्रल साइड में जो हर्ट पाए जाते हैं उसमें जो है एक दो तीन या चार, सॉरी यहाँ साढ़े तीन भी है। ठीक है, मतलब तीन से ही बड़ा दो, यहाँ पे एक चैम्बर भी हो सकता है, दो चैम्बर भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकता है, साढ़े तीन भी हो सकता है, और चार, यहाँ पे इतने चैम्बर पाए जाते हैं एक हर्ट में, इतने चैम्बर हो सकते हैं, मतलब इतने कक्ष पाए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों का ह्यूमन में जो है फोर चैम्बर हर्ट होता है, जिसमें जो है टू वेंट्रिकल एंड टू एट्रियम होता है। ठीक है, यानी कि फोर चैम्बर होते हैं, टू वेंट्रिकल और टू एट्रियम होता है।